हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस कीबोर्ड ट्यूटोरियल का इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे द ब्यूटीफुल सॉन्ग रिमझिमगिर सावन फिल्म मंजिल, और गाना गाए ग्रेट किशोर कुमार साहब ने, और म्यूजिक वन एंड ओनली राहुल गुप्ता। रिमझिमगिर सावन एक बहुत ही ब्यूटीफुल मेलोडियस सॉन्ग है। इसका मेलोडी, इसका खूबसूरती है। तो आप लोग को मेरा यही एडवाइस है कि इसका प्लेइंग स्टाइल में आप इसका स्वीटनेस पे ध्यान रखिए। तो इसलिए मैं इसका कॉर्ड सेक्शन वाइब्राफोन में दिखाता हूँ, और हो सके तो आप इसका कॉर्ड्स वाइब्स में करें, स्ट्रिंग्स में ना करें, या दूसरा कोई साउंड में ना करें, वाइब्स में स्वीटनेस आता है, ठीक है। और इसका जो प्लेइंग स्टाइल है, इसमें आप अपना फील का ध्यान रखें, स्वीटनेस का ध्यान रखें, ठीक है। इतना ही मेरा सजेशन है। चलिए देख लेते हैं। पहला ये हमिंग का बात, जो पहले मैंने हमिंग बताया आपको, इसमें तीन कॉर्ड लगते हैं, सी माइनर, सेकंड लाइन में एफ माइनर, थर्ड लाइन में सी शार्प, बैक टू सी माइनर। तो हम सी माइनर स्केल पे इसको एक्सप्लेन कर लो। आपको अगर लगे आपको सी शार्प माइनर में बजाना है तो आप सी शार्प माइनर में बजा सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द प्लेयर म्यूजिशियन के लिए सी शार्प माइनर एक ऑड स्केल होता है, तो इसलिए मैं सबको सुविधा के लिए सी माइनर में इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मोस्टली ये गाना सी माइनर में होता है, ठीक है। और आपको अगर सी शार्प माइनर करना भी है तो आप प्लस वन ट्रांसपोज कर भी सकते हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा तो आ जाइए इंट्रो पे। इसका इंट्रो में इसका जो तीन सेक्शन है म्यूजिक पार्ट बजाने के लिए, वह है एक अकॉर्डियन, सितार एंड स्ट्रिंग्स। ये तीन इंस्ट्रूमेंट आपको चाहिए ये गाना को म्यूजिक पार्ट कवर करने के लिए। ये तीन इंस्ट्रूमेंट कंपलसरी है आपके लिए, ठीक है। तो इंट्रो में देखिए, ठीक है, पहला नोट सी जी, ये सितार में, और अकॉर्डियन में मतलब ये बी फ्लैट, जी शार्प एंड जी, ठीक है। फिर मतलब ये सी एफ, जी शार्प, जी एफ, ये सितार नोट। फिर अकॉर्डियन में जी शार्प, जी एफ, जी एफ, जी एफ, ऐसा टच है अकॉर्डियन का, जैसा टच होता है। फिर आपको स्ट्रिंग्स, इसका बोथ हैंड प्ले करें तो अच्छा लगेगा, इसका फ्लेवर ऐसा ही है। तो इसका नोट क्या है, सी से देखिए, सी डी, डी शार्प, एफ, जी, जी शार्प, बी फ्लैट एंड सी एंड बैक टू जी। फुल पीस क्या हुआ, एक देन स्ट्रिंग्स, ठीक है। ये इंट्रो है। अब इसका जो मुखड़ा का कॉर्ड है, रिम झिम गिरे सावन, सी माइनर, सोलगे सोलगे, एफ माइनर, जाए मन, बी फ्लैट, भीगे आदेश मौसम में, ई फ्लैट, लगी कैसी अगन, लिम झिम गिरे सावन। और मैं रिपीट करता हूँ, सोलगे सोलगे, एफ माइनर, जाए मन, बी फ्लैट, भीगे ये इसका एम वन पे, ठीक है। तो ये आता है आपका सीता पहले, तो जी शार्प से, जी शार्प, जी एफ, ठीक है, जी शार्प, डी,
और ये नोट डी जाएगा एफ में, ऐसा ग्लाइड है, ठीक है। फिर नोट जी से, मतलब जी एफ डी शार्प डी सी डी शार्प, फिर डी डी शार्प एफ, डी शार्प डी एफ जी, देन बी फ्लैट एंड जी डी शार्प, ये नोट बी फ्लैट, बी फ्लैट सी डी शार्प, देन डी डी शार्प डी, देन डी सी बी, ठीक है। और स्ट्रिंग्स में सी बी सी बी सी, तो पूरा सीधा पार्ट वाले में देखिए, टू थ्री फोर वन, M1, music 1. जब घूम लो सी, सी माइनर से स्टार्ट कर गया, F माइनर, बजती है बूंदे, B फ्लैट, हमा हमारे, सी माइनर होके F माइनर, बल्के नमूदे, बैक सी माइनर, ठीक है। तो जब घूम लो बजती है बूंदे, बी फ्लैट अलमा हमा, एक बार आपको सी माइनर में बैक करना है, अलमा हमारे, एफ माइनर, बल्के नमूने, सी माइनर। अभी यह आपको एक काउंटर है, ठीक है, फिलर म्यूजिक है अंतरा का, ठीक है। तो पहला नोट क्या है, फिर जी शार्प जी एफ, और फिर आपको सीता में लेना है, मतलब ये आपको एफ से बी फ्लैट ग्लाइड करके जी शार्प में आना है, ठीक है। तो क्या हुआ, फिर सीता में, फिर F G sharp, फिर G B flat, फिर G sharp, G sharp C, फिर B flat D, फिर D sharp D C B flat C, तो हो गया आपका अंतरा काउंटर, ठीक है। ला 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 कैसे देखे सपने नयन, इसे कॉर्ड से माइनर, सो लगे जाए मन, एफ माइनर होके बी फ्लैट, भीगे आज, भीगे ये लाइन में बी फ्लैट, भीगे आज इस मौसम में, टी शर्ट लगी कैसी है अगन, रिमझिम गिरे सावन, ठीक है। आता है एम टू में, ठीक है, सेकंड इंटरलूड में, पहला ये
एकॉर्डियन पीस। सी से सी बी सी डी सी डी शार्प डी सी डी फ्लैट डी शार्प जी, जी शार्प बी फ्लैट सी बी फ्लैट जी शार्प। साथ में सेतार सी से सी डी जी शार्प डी सी बी फ्लैट जी शार्प जी बी फ्लैट सी डी सी बी फ्लैट। फिर सेतार में डी डी शार्प एफ जी जी शार्प बी फ्लैट। फिर स्ट्रिंग्स में ये एफ से एफ जी एफ डी शार्प। फिर अपर में सीतार में लास्ट यस सी डी जी शार्प सी सी डी सी। और सेकंड अंतर में जो है महफिल में कैसे कहते किसी से पहला अंतरा में जो फिलन था ठीक है। ये दो बार है फिर आए करे अब क्या जतन सोलह